तो गाइस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये हमारा 31 ये वो वन नहीं, 31 वाला 31st वाला ये वन नहीं है, तो 31 हमारा ट्यूटोरियल हो गया है। मीन्स 30 वाला वन बोल रहा हूँ ना, वो वाला है, तो 30 हमारा वीडियो हो गया है, 31 वाला वीडियो है हमारा, ठीक है, 30 वीडियो है। तो आप अपने खुद के लिए एक बार क्लैपिंग कर दो कमेंट में जाकर, ठीक है, बिकॉज आप अगर स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी होंगी, आपने खुद से ऑब्जर्व किया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देख लो एक बार कहाँ तक कितना जानते थे, आप एक लिस्ट आउट कर लो और कितने पॉइंट्स आपने सीखे फ्रॉम फर्स्ट वीडियो टू टिल हियर, मतलब इस वीडियो तक, ठीक है, कितनी चीज़ें सीखी आपने, आपको उनको पॉइंट कर लीजिए, फिर आप देखिए कि आपको क्लैपिंग करने का मन करे तो कर देना, और इट्स नॉट वेरी नेसेसरी, ठीक है, वरना मत करना, ठीक है। बट आज की वीडियो में हम फिर से 30 वीडियो है हमारा, ठीक है, तो हम इसमें फिर से हमारी वही प्रैक्टिस रखेंगे जारी, ठीक है। बट इसमें हम कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे आई थिंक, ठीक है। तो हमारा पहला है, ये आपकी मेहरबानी है, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू कि मैं इस प्लेलिस्ट को यहाँ तक आपके लिए लेकर आ पाया, आपके लिए यहाँ पर बना पाया यहाँ तक, ये 30 वीडियो है हमारा, तो यहाँ तक ला पाया इस प्लेलिस्ट को बनाते हुए, तो ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, यू मोटिवेटेड मी हियर कि हाँ हम देख रहे हैं, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मम्मी को पूछा जाता था, मॉम यूज़ टू बी आस्क्ड, मम्मी से पूछा जाता था या मम्मी को पूछा जाता था, ठीक है, दोनों बात एक ही बराबर है। मॉम यूज़ टू बी आस्क्ड, यूज़ का मतलब आप कर सकते हो, यूज़ टू का आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो वुड से, मॉम वुड बी आस्क्ड, मम्मी से पूछा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मेरा कपड़ा सिकुड़ गया है, माई क्लॉथ हैज श्रंक, श्रिंक की मतलब, श्रिंक का मतलब होता है श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है, सिकुड़ना, और यहाँ पर उसकी थर्ड फॉर्म है ये, माई क्लॉथ हैज श्रंक, ठीक है, श्रंक की थर्ड फॉर्म है, दैट्स वाई इट इज श्रंक, ठीक है, माई क्लॉथ हैज श्रंक, सिकुड़ चुका है, मतलब हो गया है, इट इज़ डन, ठीक है। अभी तक कोई नहीं आया है, नोबडी हैज़ कम एट, अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म थी माई क्लोथ हैज़ श्रंक, अब यहाँ पर ये कम की कम ही क्यों है, क्योंकि अब मैं आपको वर्ब के बारे में बताता हूँ थोड़ा, कम की वर्ब के बारे में, ठीक है। अभी तक कोई नहीं आया, नोबडी हैज़ कम एट, अब कम की जो फर्स्ट वर्ब होती है वो कम ही होती है, सेकंड वर्ब होती है कैम, और थर्ड फॉर्म होती है कम की कम ही होती है, ठीक है। अब कम की कैम नहीं हो जाएगी, कम ऑन नहीं हो जाएगी, कम ही होती है कम की थर्ड फॉर्म, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है कैम, आई कैम, मैं आया, ही कैम एंड वेंट, वो आया और गया, ठीक है। नोबडी हैज़ कम एट, कोई नहीं आया अभी तक, एट का मतलब होता है अभी तक, ठीक है, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, तो कन्फ्यूज मत होना एट में और स्टिल में, अभी तक मैंने नहीं किया, आई डिडंट डू इट, मैंने अभी तक नहीं किया, ठीक है। राकेश नहीं समझता, ठीक है, तो डज नॉट डोंट डू नॉट आप सब पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। राम थोड़ा लेट हो गया, राम गॉट अ लिटल लेट, हो गया, ठीक है, हो गया मतलब पास्ट सिंपल, राम गॉट अ लिटल लेट, ठीक है, थोड़ा लेट हो गया। राम कंप्यूटर सीखता है, राम लर्न्स कंप्यूटर, ठीक है, अब लर्न की एस लगा है तो आपका मतलब समझ गए, सिंगुलर है, राम इज थर्ड पर्सन, तो इसके लिए क्या लगेगा, सिंगुलर, तो दैट्स वाई इट इज राम लर्न्स कंप्यूटर। नेक्स्ट वाला देखते हैं, राम 2 बजे जगा हुआ था, राम वॉज अवेक एट 2,
राम वॉज अवेक एट टू। राम जो था 2 बजे जगा हुआ था, हुआ था किया था। तो यहाँ पे होती है थर्ड फॉर्म लगती है, बट यहाँ पे क्या बताया है उसने, जगा हुआ था। राम वॉज अवेक एट 2 o'clock, मतलब एट टू मतलब 2 बजे, ठीक है। राम वॉज अवेक एट टू। नेक्स्ट वाले देखते हैं। वह सुंदर लड़की थी। सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सी वॉज, आप बोल सकते हो सी वॉज अडोरेबल, अब बहुत अच्छी थी, तो आप अडोरेबल बोल सकते हो, जिसकी आप कोई भी आप प्रशंसा कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, प्रेज कर सकते हो, तो अडोरेबल का यूज़ होता है। अदरवाइज आप सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वाला देखते हैं। श्याम के 2 भाई हैं। श्याम हैज़ 2 ब्रदर्स। आप बिल्कुल, आपको इससे तो कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। उनके पास अपने बैग हैं। दे हैव देयर बैग्स। दे हैव, उनके पास हैं। पास का मतलब होता हैव का मतलब होता है पास, हैज़ का मतलब भी पास ही होता है, ठीक है। अब पास इसका कब होता है, मतलब इसका एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होता है कि किस बारे में बात चल रही है। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है किस बारे में बात चल रही है, इन विच कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग। तो उसके पास, अब पास का मतलब होता है कि आई हैव पेन, मेरे पास पेन है, ना कि अब मैं बोलूँगा आई हैव बीकम दिस एंड दिस, तो ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इसका चेंज हो जाता है। दे हैव देयर बैग्स। नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक अच्छा बहाना है। दिस इज़ अ गुड एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना। अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी पुटेड हियर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। कंप्यूटर बंद कर दो। टर्न ऑफ द कंप्यूटर। टर्न ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर बंद कर दो। टर्न ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्या कल छुट्टी थी। वॉज इट हॉलीडे यस्टरडे। वॉज इट हॉलीडे यस्टरडे, तो कल क्या छुट्टी थी। अगर देखो यार, मैंने ऑलरेडी कई प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपको क्या डिफरेंस होता है इंट्रोगेटिव में और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। तो नेगेटिव, देखो क्वेश्चन वाले में हमें आंसर दिया जाता है, बट इंट्रोगेटिव में केवल हम इतना ही बोल सकते हैं, येस और नो। अब इसका देखो, 2 ही रिप्लाई हो सकते हैं। वॉज इट हॉलीडे यस्टरडे, हाँ, बस सिंपल, हाँ नहीं, सिंपल, इतने ही 2 ही आंसर दे सकते हैं हम इंट्रोगेटिव के, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव। अगर आपको बताना होता कि नहीं ये छुट्टी, अगर उसने बोले कि क्या क्या कल छुट्टी है, तो बोलेगा नहीं क्यों, तो आप दूसरा बोल सकते हो क्यों, तो वहाँ पे अपना क्या बोल देता है, वहाँ पे वो हो जाता है अपना क्वेश्चन वाला, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वी ऑल आर विद यू। वी ऑल आर विद यू, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। हमने गलती नहीं की। वी डिडंट मेक अ मिस्टेक। वी डिडंट मेक अ मिस्टेक, हमने गलती नहीं की। वी डिडंट कमिटेड अ मिस्टेक। वी डिडंट कमिट अ मिस्टेक। कमिट का मतलब भी होता है मेक मिस्टेक या करना, ठीक है। डू होता है इसका मतलब, कमिट का। नेक्स्ट वाला देखते हैं। हमारे पास 2 दुकान है। वी हैव 2 शॉप्स। नेक्स्ट, हम बहुत देर तक सोते हैं। वी स्लीप टिल लेट। टिल मतलब लेट, एक समय बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। वहाँ क्या क्या हुआ। वॉट ऑल हैपन देयर। वॉट ऑल हैपन देयर, वहाँ का, वहाँ क्या क्या हुआ। वॉट ऑल क्या क्या मतलब, मैंने पहले ही बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि क्या क्या, जब भी हमारे WH फैमिली के 2 वर्ड आते हैं, क्या क्या, कौन कौन, कौन का, कौन कौन सा, कौन सी, तो हम वॉट ऑल, WH फैमिली का जो मतलब होता है वो एंड ऑल लगा देते हैं। वॉट ऑल क्या क्या हैपन देयर, क्या क्या हुआ वहाँ। नेक्स्ट वाला देखते हैं। तुम क्या सोच रहे हो। वॉट आर यू थिंकिंग। वॉट आर यू थिंकिंग। नेक्स्ट, आपके पास क्या नहीं है। वॉट डू यू हैव। वॉट डू यू, वॉट डू यू नॉट हैव। वॉट डू यू नॉट हैव, तो आप इसे यूज कर सकते हो, या आप बोल सकते हो आप वॉट डू यू, वॉट डिडेंट यू हैव, क्या नहीं था आपके पास। वॉट डू यू हैव। वॉट डू यू हैव, क्या है आपके पास, और नॉट, क्या है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास। डू यू, वॉट डू यू हैव और नॉट, क्या था, क्या है, क्या नहीं है, तो बहुत सारे यूज़ हैं यार। आप अब अगर इसमें मिस्टेक करते भी हो ना ग्रामर में, तो आपको कोई मारेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं। इंग्लिश बहुत बदतमीज लैंग्वेज है, ठीक है, ठीक है। तो आपको कभी रिलेट नहीं करना कि इंग्लिश टू हिंदी एग्जैक्ट होनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिलना चाहिए कि इन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर टॉकिंग, यू आर टॉकिंग, यू विल बी टॉकिंग,
तो आप बस उस कॉन्टेक्स्ट में पीपल आपको समझ लेंगे, अगर आप इफ़ यू मेक अ मिस्टेक पीपल विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये बाय स्लिप बाय टंग बाय मिस्टेक हो गया, जानबूझकर कौन करता है, ठीक है। और बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर अच्छे से अच्छे मास्टर जिसने किए वो भी नेक्स्ट मिस्टेक्स आर, ठीक है। अगला टॉपिक क्या था, व्हाट वाज द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट वाज द नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपके पास कब आया, व्हेन डिड आई कम टू यू, व्हेन डिड आई कम टू यू, मैं आपके पास कब आया, ठीक है। रोहन के बगल में कौन है, हु इज़ बिसाइड रोहन, बिसाइड्स का मतलब अगर लगा दिया ना यहाँ पर ई एस लगा दिया, हु इज़ बिसाइड्स लगा दिया ना तो उसका मतलब हो जाता है के अलावा कौन है, हु इज़ बिसाइड्स रोहन, बिसाइड्स रोहन, रोहन के अलावा कौन है, दैट्स व्हाई यहाँ पर बी साइड लगा है, ठीक है। हु इज़ बी साइड रोहन, मतलब रोहन के बगल में कौन है। नेक्स्ट वाला देखें, तुम्हारी किताब किसने ली, हु टुक योर बुक, किसने ली तुम्हारी बुक, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट सेंटेंस बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज आप इस सेंटेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते होगे अपने चिल्ड्रन लाइफ, अपने टीनेजर एज में या आपकी एडल्ट एज में, आपने यूज़ किया होगा कॉलेज स्कूल एज में भी आपने यूज़ किया होगा, तुम्हारी किताब किसने ली है, ठीक है, हु टुक योर बुक। तो गाइस आई होप कि जो भी मुझे लगा कि ये समझाना चाहिए मैंने वो समझाया, अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर लिख सकते हो और आई विल रिप्लाई दियर, ओके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग द थिंग्स बिकॉज लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।